होली के दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस को इस्तीफा देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है, या यूं कहें कि अब सिंधिया ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा के बाद गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और जिसके बाद गुरुवार शाम वो भोपाल पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिए, जिससे कमलनाथ सरकार खतरे में आ गई है। सिंधिया के बगावती तेवर के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने की कगार पर है, लेकिन वहीं सीएम कमलनाथ का कहना है कि वो विपक्ष के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और कैबिनेट में नए चेहरे शामिल करेंगे। न्यूज़ डेस्क।